गर्भ संस्कार यानी दिव्य संतान हेतु गर्भवती माता की प्रभु से प्रार्थना। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो शब्द बोले जाएं उसकी मन में कल्पना करें। यदि आप गर्भवती हैं तो दोनों हाथ अपने पेट पर ऊपर नीचे रखें, और यदि आप माता हैं तो अपने दोनों हाथ अपने नन्हे शिशु के मस्तक पर रखें। मुख पर मुस्कान और हृदय में प्रसन्नता का भाव भरें। अपनी समग्र चेतना प्रभु चरणों में धरें और अत्यंत भावुक आत्मा से परमात्मा को प्रार्थना करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्रार्थना द्वारा जन्मी संतान जगत का कल्याण करती है, बिना प्रार्थना जन्मी संतान जगत पर बोझ बनती है। इस कारण दिव्य श्रेष्ठ महान आत्मा के अवतरण या पालन हेतु यह प्रार्थना नियमित रूप से करें। हे परम दयालु परमात्मा, सृष्टि को आगे बढ़ाने हेतु आपने मुझे पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, उस कारण उन्होंने माँ बनाई है। सचमुच माँ बनने का अपूर्व अवसर मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे जगत स्वामी, जब पहली बार संतान की प्राप्ति के बारे में मन में विचार जन्मा, एक अजीब सा आनंद मेरे पूरे चैतन्य में छा गया था, पर उस आनंद के साथ कुछ दुविधाएं भी मन में उभर आईं। हे सर्वेश्वर देवाधिदेव, आज उस दुविधा का समाधान पाने हेतु आपकी संतान आपके चरणों में नतमस्तक है। हे देव, वो आप ही तो हैं जो इस संसार की समस्त दुविधाओं का समाधान हो। हाँ प्रभु, सरलता से गर्भाधान हो, सहजता से गर्भावस्था बीते और सुखपूर्वक प्रसूति हो, ये सारे विषय बहुत ही नाजुक है। उन सभी समय आप ही तो मेरे अदृष्ट आधार हो। हे ईश्वर, एक नन्हे मुन्ने हंसते खिलते संवेदनशील सजीव को जन्म देना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्जन है, पर उस सर्वश्रेष्ठ सर्जन के लिए हे मालिक, मुझे सर्वश्रेष्ठ शक्ति अर्थात आप ही की आवश्यकता होगी। हे दयालु, मेरे सांसारिक मन से मैं और क्या मांगू, पर आप मुझे ऐसी दिव्य भव्य संतान दे जो ज्ञानवीर दानवीर और कर्मवीर हो। हे ब्रह्मांड के समस्त देवगण, आप मुझे ऐसी सर्वगुण संपन्न संतान दे जो बुद्धिमान आयुष्यमान और शक्तिमान हो। हे परब्रह्म, आप मुझे ऐसी विवेकशील संतान दे जो चारित्र्यवान विद्यावान और संपत्तिवान हो। हे सर्वशासक, आप मुझे ऐसी देशभक्त संतान दे जो धार्मिक मार्मिक और दैविक हो, सेवाभावी करुणाभावी और दयाभावी, संतोषी आनंदी और स्वयं सुखी संतान की याचना आपसे करती हूँ मैं।
मूल्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ और सत्यनिष्ठ, संकल्प शक्ति, निश्चय शक्ति और याद शक्ति, प्रामाणिकता, महानता, दिव्यता, ऐसे जो जो सद्गुण आपने बनाए हैं उन सब के एक साथ दर्शन कर पाऊं, ऐसी संतान की आकांक्षा है मुझे। हे सर्वेश्वर, सर्वे प्रणीता, समग्र ब्रह्मांड में ऐसा सर्वगुण, सर्व सामर्थ्य संपन्न भला आपको छोड़ दूसरा कौन हो सकता है। हाँ प्रभु हाँ, मेरे कोख में स्वयं आप ही पधारो, मेरी ममता की गोद में स्वयं आप ही खेलो, मेरे छोटे से आंगन में स्वयं आप ही अवतरो, ऐसी मेरी अभ्यर्थना है। परंतु हे अंतर्यामी, आप कहाँ नहीं हो, जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव, सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अस्तित्व और प्रत्येक आत्मा में आप ही का निवास है। समस्या बस यही है कि जो आत्मा अपने अहंकार को त्याग सकता है उसमें ही आपका पूर्ण तेज प्रतीत होता है। हे सर्वनियंता, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अहंकार से मुक्त करके आपके अवतरण का, पूर्ण प्रकटीकरण का माध्यम बनाओ। कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। मेरा शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण और आत्मा ऐसे स्वर्णमय और निरअहंकारी बने ताकि आपके निवास का पूर्ण रूप से पात्र बन सकूं। आपने शास्त्रों में लिखा है, संभवामि युगे युगे, हे देवेश्वर, आज पूरी दुनिया की अशांति, अभद्रता, अविवेक आदि देखकर मेरा हृदय कांप जाता है, इसलिए मेरे बालक के रूप में स्वयं आप ही अवतरित हो, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। हे ईश्वर, हे हरि, मेरी संतान को ऐसा आशीर्वाद दो कि वो केवल निमित्त बनकर रहे और उसके द्वारा स्वयं आप ही अपना युग कार्य करो, इस पूरी पृथ्वी को सुख, शांति, आनंद से पूर्ण नंदन वन बनाओ। हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरा समग्र अस्तित्व प्रार्थनामय बनाओ, मेरा समग्र शरीर आपका मंदिर बनाओ, मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही इस जगत का उद्धार करो, यह मेरी नम्र विनती है। मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही सदाचार का प्रचार करो, मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही चहुदिश मंगल बरसाओ, जहाँ धिक्कार है वहाँ प्रेम बहे, जहाँ प्रतिशोध है वहाँ क्षमा खिले, जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा बिलसे, जहाँ हताशा है वहाँ आशा का प्रकाश चमके, जहाँ शोक है वहाँ आनंद जन्मे। हे देवाधिदेव, मेरी संतान के मस्तिष्क में, विचारों में, आँखों में, दृष्टि में, मुख में, वाणी में, हृदय में, संवेदनाओं में बस केवल आप ही आप छाए रहो। मुझे विश्वास है आपके चरणों में समर्पित की हुई मेरी ये पुकार जरूर साकार होगी। यह पृथ्वी अवश्य विभूतियों से शोभायमान होगी।